गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये जो लाइन मैंने बोला ये कई लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस जैसा लगता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, या कई आपके ऐसे डिजिटल मार्केटर को भी कहते सुना होगा कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके और रैंक कर सके। तो कई लोग के दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि एक्चुअली में हम भी एज ए डिजिटल मार्केटर यदि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग करते क्या है, और बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी ये चीजें, इस लाइन को आपको भी लगता है कि क्या है जानने की उत्सुकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होंगे उसका जवाब, और यदि फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह जाए जो गूगल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको पता है आपके लिए हमेशा खुला रहता है कमेंट का वो एरिया जहां आप अपनी राय, अपनी जो सजेशन है या आपके जो क्वेश्चन डाउट है उसको आप डाल सकते हैं, और अगली वीडियो में फिर हम उस पर आधारित आपको वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं, और मैं प्रयास करता हूं कि आपकी बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो करने में जिस भी टूल टेक्निक्स की जरूरत पड़े वो हम आप तक फ्री में पहुंचाते रहे और आप अपने बिजनेस को यही ग्रो कराते रहे। तो फिलहाल आज की जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक है, वो है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिसको शॉर्ट में GBP या पहले जिसको GMB यानी गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अब सीधा तौर पे देखा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अनुकूल बनाना, प्रभावी बनाना, या बोले तो जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना, ये उसका एक सिंपल हिंदी मीनिंग कह सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसके द्वारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम लोग इस कदर हम लोग एक तरह से एडजस्ट करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं, उसको सेटअप करते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, बेहतर प्रभावी तरीके से उपस्थित हो सके, और ओवरऑल हम तो यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि हम उसे सर्वश्रेष्ठ गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया को गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रक्रिया आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। तो चलिए सर, आपने ये तो बता दिया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता क्या है, अब इस चीज को भी समझ ले कि एक्चुअली में गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो बेसिकली उसमें हम करते क्या है, इस चीज को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख ले, और इसके लिए हम ज्यादा नहीं 10 से 15 पॉइंट पर हम फोकस करेंगे, और यदि ये चीज आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल या अपने क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कर लेते हैं तो वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो प्रोसेस है एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहला चीज होता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन तभी संभव है जब आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर लेते हैं। यदि आप क्रिएट किए हैं या क्रिएट नहीं किए हैं और आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है आपके बिजनेस के नाम से, इसका मतलब है किसी और ने क्रिएट कर दिया है, अब आपको जरूरत है उसे क्लेम करने का। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपको क्रिएट या क्लेम करना होगा अपने बिजनेस प्रोफाइल को। कैसे करते हैं इसके लिए हमने डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं, हालांकि आपके सुविधा के लिए हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बात आती है कि जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमारे पास आ गया, यानी वो क्लेम करके आया या क्रिएट करके आया, अब बात आती है पूरी फुली सेटअप करें अपने प्रोफाइल को। अब यानी कि हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एवरी सेक्शन को पूरी तरह से सेट कर ले, ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि उसका नाम हो गया आपका, आप उसकी जो कैटेगरी हो गई, उसके बाद उसकी जो डिस्क्रिप्शन हो गया, वो तमाम चीजें, आप उसकी वेबसाइट, मोबाइल नंबर, तमाम चीजें आपका पूरी तरह से सेट होना चाहिए।
अब इसके लिए सिंपल हमारे वीडियो आप देख सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाए उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो है। तो दूसरी पॉइंट जो है वो फोकस करने वाली चीज है कि आपको अपने प्रोफाइल को फुली कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका कि आप अपने कह सकते हैं कि जो कंटेंट डिटेल डालते हैं उसको एकदम एक्यूरेसी मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि जो आपने वेबसाइट डाला या आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो सही रहना चाहिए। कई लोग का तो देखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है बट मोबाइल नंबर इशू नहीं कर रहा, तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनकी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल फुली अपडेटेड होना जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल का जो मेन कैटेगरी होता है और सब कैटेगरी होता है उसे ध्यान पूर्वक और जरूरी तौर पे चूज करने की जरूरत होती है, यानी कि आप अपनी जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको आप मैक्सिमम जरूर चूज करके रख लें। पांचवी चीज जो होती है वो आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी आप प्रॉपर सेलेक्ट कर ले अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और उसको भी जरूर हाईलाइट करें। छठी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप पे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपके बिजनेस से संबंधित कीवर्ड के साथ प्रॉपर क्राफ्टेड होनी चाहिए, यानी कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन दो तीन सेंटेंस में लिख दे, प्रॉपर जितनी आपको कैरेक्टर से अलाउ कर रहा है उसमें मैक्सिमम आप प्रयास कीजिए कि जरूर से जरूर उसमें लिखे और जो रिलीवेंट कीवर्ड हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड उस चीज को भी आप जरूर वहां मेंशन करें। यदि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज बना देना और बनाए रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि आप एटलीस्ट वीकली एक पोस्ट जरूर अपडेट करें, यानी जो हम लोग पोस्ट अपडेट करते हैं उसके लिए आप ध्यान दिए होंगे कि पोस्ट हम लोग अपडेट करते हैं, इवेंट करते हैं, ऑफर करते हैं, तो उस तरह से पोस्ट आप जरूर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको जरूर आप अपडेट कीजिए। वीक में एक बार एटलीस्ट, ज्यादा हो जाए तो बेहतर है, एक बार जरूर करें, वो आपके बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन को बरकरार रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट यानी कि नेक्स्ट जो अगली चीज इंपॉर्टेंट होगी वो है कि आप वीकली लेवल पे फोटो भी जरूर ऐड करें। फोटो आप देखें कि बेहतर क्वालिटी हो, उसकी जो एस्पेक्ट रेशियो बेहतर हो और गूगल की जो गाइडलाइन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आप अपलोड करें ताकि आपकी फोटो रिजेक्ट ना हो और वो वीकली पब्लिश होते रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज रखने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया में जो अगली प्रक्रिया होती है वो होता है एड क्वेश्चन एंड आंसर। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्वेश्चन एंड आंसर ये ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें जाकर के आपको आपके बिजनेस से जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन लग रहा है जो अगले के दिमाग में आ सकता है उसको ऐड करें, उसका आंसर ऐड करें, ताकि जो भी लोग आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आए और उनके दिमाग में ये बात आए तो क्वेश्चन और आंसर को देख सके। इवन अगला किसी क्लाइंट ने किसी कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा है तो उस पर भी प्रॉपर आपको रिप्लाई करने की जरूरत होती है और ये करते रहना चाहिए तो ही आपकी बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज मानी जाएगी। खास तौर पे इससे भी रिलेटेड YouTube चैनल पे हमारे वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर लेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी पॉइंट है यदि उस पर डिटेल वीडियो मेरे पास है तो मैं उसका सारा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगली यानी दसवीं पॉइंट की बात करें तो आपको प्रॉपर आस्क रिव्यू एंड रिप्लाई प्रॉपरली, आपको अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसके लिए रिव्यू लगातार आपको आस्क करने की जरूरत है, लोगों से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि भाई आप हमें रिव्यू दे दे 5 स्टार और उसमें जो भी है प्रॉपर उनसे लिखवाए, फोटो भी अपडेट कराए और प्रॉपर रिलेवेंट कीवर्ड के साथ आप रिप्लाई भी करें, तभी आपकी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो कर सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी मायने रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कीवर्ड जो होता है वो मेन उसकी जो रोल है वही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कीवर्ड ऐड करने के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत पड़ती है, हालांकि इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो इसमें जो अगली पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं वो यही है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के दौरान आप अपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको ऐड करें प्रॉपर कीवर्ड के साथ, जब वो प्रॉपर कीवर्ड आप फीड करते हैं गूगल में तो वही जाकर के आगे आपकी
रैंकिंग फैक्टर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है और आपके बिजनेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज यानी बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करता है। इतना करने के बाद ये इंश्योर करें कि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को रेगुलर अपडेट करते रहें, रेगुलर उसे मेंटेन करते रहें ताकि आपकी एक्यूरेसी बरकरार रहे। कई बार क्या होता है कि आपके कंपटीटर के द्वारा या किसी गूगल गाइड्स के द्वारा आपके बिजनेस में जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड अपडेट गूगल को लोग बताते रहते हैं। उस हिसाब से गूगल आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई इन्होंने, अब नाम तो नहीं बताता लेकिन वो बताता है कि आपके बिजनेस में ये चीजें शायद नहीं है, ये चीजें ऐड होनी चाहिए। तो उन चीजों को आपको रेगुलर मेंटेन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप एक बार ऑप्टिमाइज करा लिए उसके बाद छोड़ दिए तो कहानी लंबे दौर तक नहीं चलेगी। समय के साथ हर चीज बदलता है तो आपकी बिजनेस में भी कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी वो बदलाव दिखती है, इसलिए आपको जरूरत है कि एक्टिवली आप उस पे काम करते रहें, अपडेट करते रहें ताकि आपको उससे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हमेशा ही रैंक इम्प्रूव होते रहे, ताकि आपके कोई भी कंपटीटर आए तो उससे आप एक तरह से लड़ सके रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जरूरी हो जाती है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए खास तौर पे। और लास्ट पॉइंट हम ये बात करेंगे कि आपको लोकल एसईओ के लिए भी प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत पड़ेगी यदि आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते रहना चाह रहे हैं। तो लोकल एसईओ का मतलब मेरा यहाँ सिंपल सी है कि अभी तक जितने भी हमने बात किया वो बात किया गूगल बिजनेस प्रोफाइल लेवल पे जो आपको अपडेट करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, वो तो आप इतना चीज करेंगे ही। लेकिन यदि आप लोकल एसईओ की प्रैक्टिस की जहां तक बात है तो आप लोकल यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हट करके, यानी कि आप यहां पे ऑन पेज लोकल एसईओ नहीं बल्कि हम ऑफ पेज लोकल एसईओ की बात करेंगे, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हट करके अनदर जो लोकल साइटेशन साइट्स होती है जैसे आपका जस्ट डायल हो गया, हेल्प हो गया, तो या आपके जिस भी इंडस्ट्री में है उससे जो रेलिवेंट वेबसाइट है उन वो जो डायरेक्टरीज है तो वहां पर भी आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाने की जरूरत है और वो करना चाहिए ताकि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है प्रॉपर वो अप टू डेट रहे। इसके अलावा भी अलग अलग जो साइटेशंस के लिए है आपका गूगल माई मैप साइटेशंस भी होता है तो वहां पर भी आप जरूर देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैं आप बता दूं कि अभी पहले जो होता था एनएपी नेम एड्रेस फोन नंबर इतना काफी होता था, लेकिन आज साइटेशन के दौर में एक डब्ल्यू भी जोड़ चुका है यानी कि नेम एड्रेस फोन नंबर के साथ साथ आपकी वेबसाइट भी एक तरह से कंपलसरी एलिमेंट हो चुका है। तो आपकी बिजनेस की एक सिंपल सी वेबसाइट ही सही जरूर बना ले। आज के डेट में तो 5-6 हजार में आपकी वेबसाइट बन जाती है, तो वो वेबसाइट आप बनवा ले और उस तमाम चीजों को अप टू डेट करके रखे, तब जाकर के आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहेगी, प्रॉपर मेंटेन रहेगी और प्रॉपर इंप्रूव करते रहेगी आपके लोकल एसईओ में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका जो ये कंसेप्ट है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज को जरूर समझे होंगे। और यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट हुआ तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आगे आपकी सजेशन की भी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें, हमें गाइड करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।